होगा दो स्टेट में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उनको कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, ये उनकी वजह है। ये अपना स्टैंड बाई में रहे हैं। नहीं तो क्यों केवल वहीं के लोगों को दिल्ली बुलाया जा सकता है, बाकी जगह के लोग भी तो दिल्ली आना चाहते हैं? नहीं नहीं, आ रहे दिल्ली, बाकी के लोग भी आते रहते हैं, उनके लिए भी तो फिर? नहीं नहीं, उनके लिए अभी और जगह करेंगे, दो जगह स्टैंड बाई में रखा है उनको। अभी कहाँ कहाँ करेंगे? और पूरे देश भर में, और दिल्ली में नहीं? ये सही नहीं, दिल्ली में तो होता ही नहीं, दिल्ली में कहाँ चक्कर जाऊंगा? यानी दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी, दिल्ली में तो है ही नहीं। दिल्ली में कहाँ जाम होते हैं? दिल्ली में तो जाम हो ही रहा। राकेश जी, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर हिंसा के डर से कोई भय हुआ आप लोग? हिंसा होती है क्या? पंचायत नहीं करी हमने सब जगह, बिजनौर में नहीं हुई, जींद में पंचायत नहीं हुई, हिंसा कौन करेगा? हिंसा कहाँ होती है हमारे उसमें? तो एक सवाल तो यही बनता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार से पीछे से बात हो रही है, इसलिए यूपी में आपने रियायत दे दी? नहीं नहीं, ऐसा सरकार तो हम बात करना चाह रहे हैं भाई, बात तो करो हमारे से, सरकार है कहाँ, मिल तो रही नहीं कहीं, आपको मिला का यही तो बात करवाइए। सर एक बार जाम के बारे में विस्तार से बता दीजिए, कब? अरे कल नहीं रहेगा, कल ज्ञापन जाएगा, नहीं रहेगा कल कहीं नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा, पूरे देश भर में और जगह रहेगा, लेकिन उत्तराखंड और इसमें नहीं रहेगा। बाकी जहाँ पर रहेगा वो कैसे रहेगा? वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे उनको, वो 11 से 2 बजे तक।